हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या होता है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने पुराने वीडियोज़ के अंदर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, जैसे फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर से देख लो जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पर देख लो कि जो भी प्रिंसिपल्स होता है प्लानिंग का, वो क्या होता है। दोस्तों, प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है, सिद्धांत, कोई भी मतलब प्लानिंग को करने का सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, जिसमें से यहाँ पर मैंने कुछ एक चीज़ों को लिया हुआ है, ठीक है, आप इनसे ही समझ सकते हो। प्लानिंग क्या होता है, यूजली एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है बिफोर एक्टिंग, ठीक है। कोई भी आपको काम करने से पहले आपको उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, जिससे कि वो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर मतलब सबसे पहले जो प्लानिंग का सिद्धांत होता है वो होता है कि ऑब्जेक्टिव को सेट करना, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब कि अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करो। प्लानिंग शुड हैव अ पर्पज एंड मेड इन ऑर्डर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को सेट करना, उसके बाद में उसको उसका एक पर्पज होना, ठीक है, कि आपने वो डिफाइन उस तरीके का ऑब्जेक्टिव को सेट किया है, उसका एक पर्पज को डिफाइन करो, उसके साथ में मेड इन ऑर्डर, ठीक है, उसका एक तरीके का ऑर्डर को बनाओ, ठीक है। देन हमारा दूसरा आता है यहाँ पर प्लानिंग ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ये एक तरीके से क्या है, जो भी प्लानिंग होता है वो एक तरीके का कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। अब लेट सपोज कि कोई भी, अगर आपका कोई भी प्लान है, ठीक है, वो आपका पूरा हो गया, ठीक है, तो आप उसके बाद में क्या, आपने अपने गोल को अचीव कर लिया, नहीं, उसके लिए आप फिर दूसरे गोल को बनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इस तरीके से करके, जो एक तरीके से जो भी ये होता है ना, कि आपके गोल पे गोल बनते चले जाते हैं, और ये आपकी जो भी प्लानिंग होती है वो भी कंटिन्यू होती चली जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से कंटिन्यूटी का जो भी सिद्धांत है वो ये है कि ये एक तरीके का प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देन आपका थर्ड नंबर पे आता है कि प्लानिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आपका प्लानिंग का जो भी ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि उसको फ्लेक्सिबल बनाया जा सके, मतलब कि आपका जब भी जरूरत पड़े तो उस प्लानिंग में चेंजमेंट किए जा सके। ऐसा कोई भी आपकी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि एकदम रिजिड हो, वो अपनी जगह पर ही अड़के खड़ी हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्लानिंग का मतलब कुछ भी नहीं बन सकता। प्लानिंग का मतलब समझ रहे हो ना, कि जब भी समय आए तो उसको आसानी से चेंज करा जा सके। सो प्लानिंग शुड बी मेड फ्लेक्सिबल, इस तरीके से जो प्लानिंग होती है उसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, ठीक है, सो दैट चेंजेस कैन बी डन इजिली, जिससे कि जो भी चेंजेस हों वो आसानी से किए जा सके, क्योंकि परिस्थितियों का कुछ पता नहीं रहता कब कौन सा समय आ जाए, ठीक है। कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है, या फिर कभी भी आपने कोई, सपोज़ कि कोई भी आपने प्लानिंग बनाई कि हम 10 लोगों को बुलाएंगे, 10 लोगों में से उस तरीके से अकॉर्डिंग 10 एम्प्लॉयज़ को बुला करके 10 लोगों के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब लेकिन 10 में से केवल आए 8 ही लोग, ठीक है, तो 8 लोगों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो अब हमने 10 के लिए बनाया तो क्या 8 को भगा दिया जाएगा, नहीं, 8 के अकॉर्डिंग हमको फिर से एक नया प्लान तैयार करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक जो हमारा प्लान था वो तो 10 वाला तो फ्लॉप हो गया, बट उसकी जगह पर हमारा जो प्लान भी नया तैयार हुआ कि 8 लोगों के अकॉर्डिंग हमको अपना प्रोडक्शन का पूरा टारगेट को सेट करना है और उसको अचीव करना है, ठीक है। तो प्लानिंग करने का हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो भी यही होनी चाहिए कि जो भी चेंजेस आए, ठीक है, तो हम उसको आसानी से एक्सेप्ट करें और फिर आगे बढ़ें। फिर यहाँ पर देखो, फोर्थ नंबर पे क्या है कि प्लानिंग ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब आप समझ रहे हो कि एक्यूरेट होनी चाहिए। सो यहाँ पर प्लानिंग शुड बी डन इन एक्यूरेट वे, ठीक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द एरर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी प्लानिंग में आपने कोई उसकी कमियाँ देखी नहीं या फिर उसकी अच्छाइयाँ देखी नहीं, केवल आपने प्लान को बना दिया, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा कि सारी चीज़ें आपको आसानी से देख करके करना चाहिए, उसके जो भी प्रोज हैं कौन से, उन सारी चीज़ों को देख करके प्लान को बनाना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखो क्या है कि नेक्स्ट है जो है प्लानिंग ऑफ सिंप्लिसिटी, मतलब आपकी प्लानिंग जो होनी चाहिए इट शुड बी अंडरस्टैंड बाय ऑल, ठीक है, ये सभी लोगों के द्वारा समझी जानी चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग शुड बी सिंपल, जो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जिससे कि सभी लोग आपकी प्लान को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके। ऐसा आपकी कोई भी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा कोई कठिन सी हो, ठीक है, दूसरे लोग समझ ही नहीं पा रहे, उन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो आपकी जो भी प्लानिंग हो वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और सिंपल इम्प्लीमेंट इन
अ रियल लाइफ सिचुएशन, जो भी मतलब कि आपकी रियल लाइफ सिचुएशन जो भी हो वो फिट बैठती हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्स नंबर पे देखो प्लानिंग ऑफ इफिशियंसी। प्लानिंग ऑफ इफिशियंसी का मतलब आपकी क्या है कि प्लानिंग शुड बी डन इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट्स। आपके कम से कम कॉस्ट लगे, आपके कम से कम एफर्ट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त हो, तो ये इफिशियंसी होती है प्लानिंग की, ठीक है। तो प्लानिंग ऑफ इफिशियंसी ये एक तरीके से ये भी एक सिद्धांत होता है। फिर सेवन्थ नंबर पे देखो कि प्लानिंग ऑफ फॉरकास्टिंग। प्लानिंग ऑफ फोरकास्टिंग के अंतर्गत क्या आता है कि फोरकास्ट करने का क्या मतलब कि भविष्य को बताना। तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा अनुमान एजम्पशन कर सको, ठीक है, अनुमान लगा सको, इमेजिनेशन कर सको कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, ठीक है। इस प्लान को अगर हम सेट कर रहे हैं, इस रास्ते पर हम चल रहे हैं, तो आगे आने वाले फ्यूचर्स में हमारा इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के प्लानिंग को करना चाहिए। फिर एट नंबर जो सबसे लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ कि प्लानिंग ऑफ इनोवेशन। आपका ऐसी प्लानिंग होना चाहिए जिससे कि जो भी नए इनोवेशन के जो भी आइडियाज़ हों वो भी उसमें अडॉप्ट किए जा सके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर शुड बी स्पेस फॉर इनोवेशन इन प्लानिंग एज इनोवेशन विल हेल्प इन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स मेथड्स एक्सेट्रा। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, ठीक है, अब आपकी प्लानिंग क्या है, कोई भी ऐसा सेलर है फ़ोन को बेचने वाला, कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि फ़ोन को क्या करती है, फ़ोन का मैन्युफैक्चर करती है, जैसे लेट्स सपोज कि रेडमी की कंपनी है, ठीक है। तो रेडमी ने क्या किया कि हमको अपने फ़ोन्स को क्या करना है, लोगों तक सेल करना है, ठीक है। अब लेकिन उसकी जो भी उसमें तो क्या है कि इनोवेशन रोज दिन पर दिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है, तो वैसे ही कोई 4 कैमरे वाला फ़ोन आ रहा है, कोई 6 कैमरे वाला फ़ोन आ रहा है, ठीक है, उसके मेगा पिक्सल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो क्या होती हैं कि दिन पर दिन हमारे जो भी इनोवेशन जो भी हमारे आइडियाज़ हैं वो डेवलप होते रहते हैं, ठीक है। तो क्या हम एकदम हमारी जो प्लानिंग थी कि हम केवल एक ही फ़ोन बेचेंगे, नहीं, हमारे जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट आ रहे हैं, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी प्लानिंग होती है वो हमारे न्यू प्रोडक्ट को इनोवेशन का मतलब यही होता है कि नए जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना, ठीक है। तो मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स मेथड एडजेक्टा मतलब नए नए चीज़ों को भी उसके लिए प्लानिंग में आपका स्थान होना चाहिए, ठीक है। इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए कि नए चीज़ों को उसका स्थान ही ना मिल पाए, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन प्लानिंग को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगैन।